देवघर जिला अंतर्गत ड्राई रन ट्रायल के बारे में उपायुक्त ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिले में कुल 8 पीएचसी और 1 सीएचसी को सेंटर बनाया गया है, जहां टिका दिए जाएंगे। जिनको सेंटर बनाया गया है उसमें देवघर, सारठ, जसीडीह, देवीपुर, सारवां, मधुपुर, करौन एवं पालोजोरी शामिल है, जहां शत प्रतिशत मॉक ड्रिल की तैयारियों को बेहतर तरीके से पूरा किया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम व संबंधित अधिकारी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने टीम भावना के साथ बेहतर कार्य का प्रदर्शन किया है। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पदाधिकारियों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप सभी से भी आग्रह होगा कि लोगों को जागरूक करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। देवघर से अवनीश। तो हम लोगों ने पूरा जिला प्रशासन और जो भी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है वो 8 सेंटर्स में आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने ड्राई रन किया कोविड वैक्सीनेशन का। और इसके अंतर्गत एक दिन पहले ही बेनिफिशियरीज को कोविन सॉफ्टवेयर के द्वारा मैसेजेस गए थे और वो सभी लोग 8 सेंटर्स में समय पर जो टाइम जो दिया गया था उसके अंतर्गत आए। और जो एक्चुअल वैक्सीनेशन के दौरान जो जो प्रक्रिया होंगे लगभग सारा इस मॉक ड्रिल में किया गया। और क्योंकि पालोजोरी में थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू है, थोड़ा सा वहाँ इमीडिएट टर्नअप होने में लोगों को टाइम लगा। 8 सेंटर में 25-25 करके हम लोग SMS जो भेजे थे, मतलब कोविन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भेजा गया था उसमें मतलब 200 लोगों का, तो उसमें से मोर देन 180 मतलब टर्नअप हो गए। पालोजोरी का अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है, तो मतलब प्रॉपर क्योंकि ये सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो उनको कम्युनिकेशन आसानी से हो गया। अगर वैक्सीन आता है तो सर क्या प्रोसेस होगा, पहले किनको, उसके बाद सेकंड फेज में किनको, किस प्रक्रिया में दी जाएगी सर? जिस तरीके से जैसे राज्य सरकार के द्वारा जो प्रायोरिटी जो तैयार किया गया उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो अभी के लिए तो जो प्रायोरिटी जो आया हुआ है सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सहिया बोथ प्राइवेट में और गवर्नमेंट में जो काम कर रहे, उसके बाद हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स और पुलिस पर्सनल, MDRF और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस और सिविल डिफेंस वॉलेंटियर, सैनिटेशन वर्कर्स, वो सबको देंगे। फिर उसके बाद जो अबोव 50 ईयर्स, फिर उसके बाद जो कोमॉर्बिडिटी वाले और जनरल पॉपुलेशन को, तो ये अलग अलग जो राज्य सरकार के द्वारा जो आएंगे जो कैटेगरीज हम उसके अनुसार वैक्सीनेशन करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।